कांग्रेस वोट दिया, काम नहीं किया, भाजपा को वोट दिया, काम नहीं किया, ना रोड है, ना गटर है, ना कुछ है, कोई सुविधा हमको नहीं है, ना नौकरी है, रोजगार तो कुछ भी नहीं, जीरो है जीरो। एजुकेशन में अगर किसी ऑटो रिक्शा चालक का बच्चा है या फिर लारी वाले का बच्चा है, उसे अच्छी जगह पर एडमिशन नहीं दिया जाता। गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों को ऊंचे आने का देते, सारी औरतें मर रही है, औरतें कमा कमा के खाती है, गरीब मांग मांग के खाते है, कौन सा तुमने अमीर कर दिए, कुछ नहीं करे, कभी आप लोगों इकट्ठे होकर के सभी लोग बीजेपी के जो यहाँ पे एमएलए हैं उनके पास गए कि हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए। अरे भाई कैसे जाएंगे, उन्हें यहाँ की मुसलमानों की जरूरत ही नहीं, मुसलमान के वोटों की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर दाढ़ी टोपी के नाम पर ही चुनाव किया है। उनका जो 5.5 करोड़ का सालाना बजट आता है जो एमएलए श्री का, उसमें से जुहापुरा विस्तार के अंदर 5 लाख का भी बजट अभी तक नहीं दिया गया, ये हम साबित कर सकते हैं। अहमदाबाद की वेजलपुर विधानसभा का ये जुहापुरा इलाका है, ये वो इलाका है, इसका जिक्र उस वक्त विपक्ष के नेताओं द्वारा बार बार किया गया जब देश में गुजरात मॉडल को पेश किया जा रहा था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीरों में इस इलाके का बार बार जिक्र किया। उस वक्त तक वो गुजरात में इलेक्शन लड़ने भी नहीं आए थे, अभी साल भर पहले वो इलेक्शन लड़ने के लिए आए और इसी इलाके से उन्होंने उनकी पार्टी के कई पार्षद जीते हैं। इस बार विधानसभा के इलेक्शन में वो पूरे दमखम के साथ उतरे हैं और माना जा रहा है कि इस सीट पर टक्कर कड़ी होने जा रही है। यहाँ जनता से पूछेंगे कि जनता के मुद्दे क्या हैं और किसे वो अगले 5 साल के लिए अपनी कमान सौंपने जा रही है, किसे राज्य की कमान सौंपने जा रही है और किस नेता को अपना नुमाइंदा बनाने जा रही है। मेरे बीच में स्थानीय लोग मौजूद हैं, इन्हीं से जानेंगे कि किन मुद्दों पर वो अपना विधायक अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या है माहौल इस बार? जय हिंद जय संविधान। मैं हिंदुस्तान की सभी जनता से मेरा सलाम, मैं तौफीक खान यहाँ का एक सच्चा देशभक्त हूँ, मैं जुहापुरा से एक सामाजिक कार्यकर, पिछले 15 सालों से मैंने समाज को लेकर काफ़ी सारे ऐसे काम किए, लेकिन जिसके बीच में काफ़ी सारी ऐसी बाधाएं भी आई, मुझे कोई सरकार कोई प्रशासन आवाम की तरफ ध्यान नहीं दे रही, गरीब लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। सरकार गरीब लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, आवाम की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, इनका कहना है, आपका क्या कहना है? 100% सच बात है इनकी, 100% सच बात है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या कोई भी पार्टी क्या ध्यान देना चाहिए, कोई भी चीज के लिए ध्यान तो दे, ना पानी है म्युनिसिपैलिटी, ना रोड है, ना गटर है, ना कुछ है, कोई सुविधा हमको नहीं है, ना नौकरी है, रोजगार तो कुछ भी नहीं, जीरो है जीरो, रोजगार नहीं है, म्युनिसिपैलिटी यहाँ पे फेल हो चुकी है, यहाँ पे गटर नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं लचर हैं, कैसे क्या किन क्या इन मुद्दों पर आप वोट मांगेंगे, वो वोट देंगे या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है जिसको आप वोट करने जा रहे हैं उससे इनकी डिमांड रखेंगे, उससे गारंटी लेंगे कि ये काम करोगे तो हम वोट करेंगे? वो एक हमारा एक फर्ज है, हम वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे, वोट सबको देंगे जो अगर हमको लगता है, सबको वोट देंगे, लेकिन कुछ तो काम हो, कोई भी काम ही नहीं हो रहा है। आज हमने कांग्रेस को वोट दिया, काम नहीं किया, भाजपा को वोट दिया, काम नहीं किया, एमआईएम हमारी पार्टी खड़ी हो रही, हम उसको वोट दे के देखते हैं, इस बार हम एमआईएम को देखे, तो कॉरपोरेशन में तो एमआईएम है लेकिन इधर भी विधानसभा में भी आनी चाहिए ना। तो ये काम तो जो आपने बताया गटर का काम सीवर का काम, ये काम तो कॉरपोरेशन का है ना, कोई भी जगह काम ही नहीं हो रहा है, ये खुद कर रहे छोटे मोटे कॉरपोरेशन के कामों से जो एक कॉरपोरेटर होता है, वो काम इन्होंने बताया कि गटर का काम सीवर लाइन का काम पानी की पाइपलाइन का काम, ये तो एमसीडी उसका होता है ना कॉरपोरेशन का। जो गटर की समस्या है रोड की समस्या है वो हमारी प्राथमिक सुविधा है जो सरकार को हमारे बजट के मुताबिक हमें देना है, जो कॉरपोरेटर की भी जिम्मेदारी रहती है और कॉरपोरेशन की भी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन हमें हमारा यहाँ से एक एमएलए का हमारा एक विधायक चाहिए जो असेंबली में जाकर गांधीनगर की यहाँ के 1,30,000 जो मतदान है जुहापुरा के उनकी आवाज़ को बुलंद करे। जैसे कि एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन में अगर किसी ऑटो रिक्शा चालक का बच्चा है या फिर लारी वाले का बच्चा है, उसे अच्छी जगह पर एडमिशन नहीं दिया जाता हमारे विस्तार को छोड़कर, वहाँ पर 2-5 लाख के डोनेशन की मांग की जाती है। तो सबसे पहले हमारी ये आवाज़ है कि हमारे यहाँ का विधायक उस आवाज़ को वहाँ पर असेंबली में बुलंद करे ताकि हमारे जो बच्चे आने वाला जो हमारा भविष्य है उज्जवल, उसे हम अच्छी परवरिश दे सके, अच्छी पढ़ाई दे सके और उसे आईएएस आईपीएस और डॉक्टर की एक अच्छी पोस्ट तक पहुंचा सके। वो एक विधायक का काम होता है, ना कि कॉरपोरेटर का काम होता है। इनका ये मानना है कि इनका जो विधायक हो
वो आवाम की आवाज विधानसभा में उठाए। आपको लगता है कि वो विधायक कौन हो सकता है, किस पार्टी का हो सकता है, किस दल का हो सकता है? MIM के जेना बापा। MIM का कैसे हो सकता है? उनका उम्मीद है, उनके कॉर्पोरेटर में आए उसमें, उसके बाद उन्होंने काम बहुत कुछ किया है। अच्छा। हमारे आंखों देखी है। अच्छा। अभी तक जो काम नहीं हुआ वो काम उन्होंने करके बताया हमारे को, उस हिसाब से हम उसके साथ जुड़ गए MIM पार्टी के साथ। लेकिन समीकरण तो उनके खिलाफ है, चुनाव जीतने के जो समीकरण है वो तो उनके खिलाफ है। वो उनके खिलाफ जो लोग तो रहेंगे, उनका काम है बोलना। बिल्किस बानू के इनके खिलाफ इनकी सरकार थी, क्या हुआ बिल्किस बानू के खिलाफ? देखा ना आपने, निर्दोष साबित करके उनको बाहर छोड़ दिए और बिंदास घूम रहे हैं अभी हाल में। बिल्किस बानू के मुद्दे के बारे में तो कुछ करना चाहिए। भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार अभी तक खाली बंद मुंह करके ही बैठी हुई है। खाली इलेक्शन के टाइम पे हमारे वार्ड में आते हैं विजलपुर में, और हमारे को लालच दी जाती है कि ये हमारा काम करो और यूं करो तो हम तुम्हारे को ये कर देंगे, गटर ला देंगे, वो ला देंगे। फिर इलेक्शन के बाद कोई आके खड़ा नहीं रहता, वो सब सड़ता है। और अभी आप अभी हाल में ही चेक कर लो, पूरा पूरा गली गच्चा पानी भरा हुआ है, सब वैसा ही रोड रस्ते कुछ बना हुआ कुछ है नहीं। खाली बस इलेक्शन के टाइम पे आते और यहाँ पे अच्छी अच्छी बात करके जाते, और फिर कोई कुछ काम होता नहीं है। और ये काम अभी हाल में जेना बापा शेख ने करके बताया है हमारे को, गटर लाइन का काम किया है, रोड का काम किया है। मैं खुद मीम में उस हिसाब से जुड़ गया, मैंने पहले काम देखा। ये बताइए, गुजरात मॉडल का जो जिक्र किया गया था 2014 में जब लोकसभा का इलेक्शन था, तो उस गुजरात मॉडल में जोहापुरा नहीं था क्या? जो विकास का एक मॉडल दिखाया गया था गुजरात की बाहर के लोगों को, यूपी के लोगों को, राजस्थान के? बिल्कुल नहीं था कोई हिसाब से। गुजरात मॉडल तो अभी हाल में भी नहीं है। आप मेरे साथ चलो, फतेहवाड़ी है, सरखेज है, वेजलपुर है, ये कोई जगह पे कोई मॉडल है ही नहीं। गुजरात मॉडल है ही नहीं कोई हिसाब से। एक और पार्टी चुनाव लड़ने के लिए आई है, आम आदमी पार्टी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 300 यूनिट बिजली का उन्होंने वादा किया है। आपने स्कूल की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, एजुकेशन की बात की, वो भी सब वही बातें कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, केजरीवाल यहाँ पे आए, इनका दिल्ली मॉडल भी फेल हो चुका है। शायद कुछ लोग को नहीं पता होगा इसका, क्योंकि गुजरात में आए हुए अभी इनको सिर्फ और सिर्फ ये विधानसभा चुनाव के लिए आए हैं। ये कॉरपोरेशन भी नहीं लड़े, ये कॉरपोरेशन में अगर में अगर इतना वो सच थे तो कॉरपोरेशन भी कॉरपोरेशन लड़े वो तो इनके एक भी तो नहीं आए ना। सूरत में जीते हैं, सूरत में जीते हैं। तो अहमदाबाद के अंदर अगर ये 300 यूनिट बिजली फ्री लेके आए हैं, तो इनका दिल्ली मॉडल क्यों फेल हो गया फिर? हाँ, फेल है दिल्ली मॉडल। दिल्ली में सोशल मीडिया पे चल रहा है दिल्ली के अंदर के, दिल्ली में सिर्फ 6 महीने के लिए लोगों ने एग्रीमेंट कुछ किया हुआ था, 6 महीने बाद वो वापस, जिसका जो लाइट बिल था वो वापस आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक फार्म भरवाया है, उन्होंने कहा है जिन्हें सब्सिडी चाहिए वो एक फार्म को भर दें, जिन्हें नहीं चाहिए वो उसमें मना कर दें। जब आप सबको देना चाहते तो फिर फोरम इसमें कहाँ से आता है? आप सबको दीजिए ना, फिर आप उसमें भेदभाव कर रहे हो तो कौन अमीर है कौन गरीब? जब आप जब सबको एक बराबर समझ रहे हो तो फिर सबको एक बराबर दो ना। बिना भेदभाव की बात तो बीजेपी भी करती है, वो कहती है सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखो, सबका साथ सबका विकास तो हमारी वैसी आपकी पार्टी करेगी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमते रहेंगे और हर कौम को लेके चलते हैं, दलित पिछड़ों को, सबको लेके। और केजरीवाल के पार्टी के लिए जो अपने मनीष सिसोदिया को पूछा गया कि भाई बिल्किस बानो के ऊपर हत्या की गई, उनके हत्या हुई और हत्या जनों को निर्दोष छोड़ दे और उनको हार पिलाए, खाना खिलाया, वो तो ये पूछा कि अपने सिसोदिया साहब को, तो सिसोदिया ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे तो कौमवाद चलाती है वो पार्टी, हमारी पार्टी कोई कौमवाद नहीं चलाती, सबको लेके चलती है। लेकिन इल्जाम तो आप ही के ऊपर है, आपके नेता के ऊपर है कि वो बीजेपी की बी टीम है। नहीं, कोई हिसाब से नहीं है, साबित कर दो, साबित करके बताओ कौन से कौन कहता है बी टीम है। मैं खुद कहता हूँ, सभी लोग कहते हैं असदुद्दीन उवैसी की खुद की एक ब्रांड है, वो खुद एक टीम है, कोई बी टीम वी टीम नहीं है, क्योंकि मैंने तो खुद लाइव अभी तक देखा था। मेरे को जिसके अंदर पॉलिटिक्स में कुछ लेना देना नहीं है, मेरे दिल से मेहनत करता हूँ MIM के अंदर और दूसरे सबको जोड़ने की वो प्रयास कर रहा हूँ मैं। आप बताइए, आप हैं यहाँ पर, इधर आ जाइए जरा। महिलाओं की समस्या क्या है, किस मुद्दे पर महिलाएं वोट करेंगी, करने जा रहे हैं? महिला तो करेगी ना, महिला को सब तरफ से यानी ऑटो देना तो देना ही है, और सुरक्षा करे औरतों की या माँ बहनों की या बच्चों की तो कुछ हो सकता है, बाकी ये तो कुछ यानी सुरक्षा देते ही नहीं है। ये बोलते भाजपा को मत दो, इसको मत दो, इंडिया को मत दो, वो मत दो, तुम कैसा मत दो? कोई औरतों की तो सेवा करते नहीं है,
औरता तो जानो जी घर बैठ डालती है। अच्छा, आप किचन चलाती हैं, घर की जिम्मेदार औरत हैं, किचन चलाती हैं, तो महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई है, महंगाई तो है ही नहीं, महंगाई तो हर चीज पे रखी है। महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई से तो ये मरे जा रहे हैं। धंधे वालों को धंधे नहीं करने देते और धंधे अच्छा रुके पड़े रहते और पुलिस वाले पैसे खाते, कोई यानी कोई शिक्षा नहीं करते और गरीबों को मार रहे हैं। गरीबों को ऊंचे आने का देते उनके सब ये वोटिंग दो ये दो ने सब पेट भर रहे ले। चारी औरता मर रही है, औरता कमा कमा के खाती है, गरीब मांग मांग के खाते। कौन सा तुमने अमीर कर दिए? कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे, देश को कुछ आबादी नहीं करा देश को। 2017 में यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी, हेलो, 2017 में MIM नहीं थी, फिर भी यहाँ से भाजपा जीत गई, कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जीत पाया। इस बार आपकी जीत का आधार क्या है? कैसे आप दावा कर रहे हैं कि MIM यहाँ से चुनाव जीत जाएगी? देखिए, MIM के हमारे यहाँ तीन कॉरपोरेटर थे, तीन कॉरपोरेटर ने जो काम किया है 2017 के बाद से कोई भी विजय, यहाँ पे कांग्रेस का घर था, ये कांग्रेस के यहाँ चारों चार कॉरपोरेटर थे। लेकिन जब से MIM यहाँ पे आई है डेढ़ साल से, डेढ़ साल के अंदर जर्नल बजट 6 करोड़ रुपया MIM के कॉरपोरेटर ने लगाया है और 90 लाख रुपया जो इनको बजट मिलता है 33 लाख रुपये का वो खर्चा किया है। लेकिन अगर कोई सवाल करता है कि हमारे एरिया में काम नहीं हुआ, बिल्कुल पब्लिक का ये जनता इतना क्या है तो MIM के कॉरपोरेटर पार्टी छोड़ के क्यों चले? देखिए, वो तो उनके दिल में क्या चल रहा है, वो किससे खौफ ज़दा है, उनको कौन धमका रहा है, वो किससे डरे हुए हैं। लेकिन हमारी अंदर की बात है, ये बात हमारी उनसे चल रही है और इंशाल्लाह हमारी पूरी पार्टी की कोशिश है कि वो फिर से अपनी जगह पर लौट जाए और आए कि इंशाल्लाह हमको ये उम्मीद है कि वो वापस आएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप बताइए कि सभी पार्टियों का अपना मैनिफेस्टो है, कांग्रेस कह रही है हम भी बिजली देंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है हम भी बिजली देंगे, भाजपा भी संकल्प पत्र लेकर आ रही है, MIM का संकल्प पत्र कहाँ है, घोषणा पत्र कहाँ है, वो क्या देंगे? MIM बोलता नहीं है, करके बताता है। और केजरीवाल ने और ये लोगों ने बोला है कि 300 यूनिट फ्री देंगे, खाली 300 यूनिट बिजली के बिल से घर चल जाएगा, 300 यूनिट से स्कूल का ट्यूशन का सबका फी भरा जाएगा, खाली बिजली से कुछ घर तो चलने वाला नहीं है, बिजली का बिल ही खाली भराने का है। बारे में कहा जा रहा है कि जहाँ पर ये पार्टी, जहाँ से जन्म लिया हुआ इस पार्टी का, वहाँ पे 7 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पे 14 सीटों पर लड़ रहे हैं, यूपी में 100 सीटों पर लड़े हैं, बिहार में 25 सीटों पर लड़े हैं के और बंगाल में लड़े हैं, तो ये के बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पहुंच जाते हैं? ना भी ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी को कोई फायदा नहीं, वो खुद उसकी खुद की एक नाम है और MIM काम करती है। हमको खुद को अभी आपको एग्जांपल दिया, मैंने कुछ लेना देना नहीं है, मैं पॉलिटिक्स में कुछ करता नहीं हूँ, पर जब से मैंने ये MIM का काम देखा उस हिसाब से मैं भी ज्वाइंट हुआ और मेरे दूसरे 5 दोस्तों को ज्वाइन कराया मैंने MIM के अंदर। क्या काम देखा आपने? मेरे घर के पास अभी आप आ चलो अलजूबी में, जो ब्लॉक बीजेपी के राज में नहीं डल रहे थे, कांग्रेस के राज में जो काम नहीं हुआ वो काम अभी हाल में विकास हुआ है। वहाँ पे गटर लाइन आई है, स्ट्रीट लाइट आई है, ब्लॉक डाले, बहुत से ऐसे काम है जो MIM ने किए काम। तो इनके इलाके में काम क्यों नहीं हो पाया? इलाके में भी हो जाएगा, इलाका तो हमारा जुआ पूरा ही है, आवाम हमारी है, तो सरकार ने तो कोई काम। आप क्यों बता रहे हैं कि गटर नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, पाइप लाइन नहीं है? यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर जो फतेहवाड़ी कैनाल, जो फतेहवाड़ी विस्तार है, वहाँ पर यानी इस तरह की सुविधा नहीं। वहाँ पर अगर कॉरपोरेशन ऑफिस में रजूआत करने जाते हैं तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई यहाँ पर कोई बजट नहीं दिया जाता, कॉरपोरेशन लगती नहीं है, तो हमें यहाँ पर हमारा MLA चाहिए। तो कभी आप लोग इलाके के, आप चूँकि समाज से भी आपको बता रहे हैं खुद को, कभी आप लोगों इकट्ठे होकर के सभी लोग बीजेपी के जो यहाँ पे MLA हैं उनके पास गए कि हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए? वहाँ पर अगर जाने के बाद आवाम को लेकर जाना तो दूर की बात है, हम अकेले भी अगर जाते हैं आवाम की समस्या को लेकर तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। उनका जो 5-5.5 करोड़ का सालाना बजट आता है जो MLA श्री का, उसमें से जुहापुरा विस्तार के अंदर 5 लाख का भी बजट अभी तक नहीं दिया गया, ये हम साबित कर सकते हैं। तो फिर जाने की तो बात बहुत दूर है आवाम को। आप जाते क्यों नहीं? अरे भाई कैसे जाएंगे, उन्हें यहाँ की मुसलमानों की जरूरत ही नहीं, मुसलमान के वोटों की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर, दाढ़ी टोपी के नाम पर ही चुनाव किया है, धर्म के नाम पे ही बांटा है लोगों को।